श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 3 रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा रही हूँ और उसमें वह चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसी में हम अब अति लघु उत्तरी प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में छोटे छोटे जो आते हैं वह हम आपको बताएंगे आज। इसमें पहला है कि धमनी से क्या आशय है। धमनियाँ यानी कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो मांसपेशियों से बनी हुई हैं। लचीली नलिकाएँ होती हैं और जिनकी दीवारें कुछ मोटी होती हैं। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने तथा अंगों को रक्त पहुँचाने वाली नलियाँ धमनी कहलाती हैं। जैसे कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं मांसपेशियों से बनी हुई हैं और वह क्या होती हैं, लचीली नलिकाएं होती हैं और जिनकी दीवारें क्या होती है, कुछ मोटी होती हैं, और वह हृदय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने तथा अंगों को प्रत्येक अंगों तक क्या करती है, वह रक्त को पहुंचाने वाली नलिका क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। ठीक है, इसी में है दूसरा क्वेश्चन। हृदय के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। हृदय के यानी कि हृदय के मुख्य भाग अलिंद तथा निलय होते हैं, बायां और दायां निलय। फिर तीसरा है परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है। परिसंचरण तंत्र यानी कि जो हमारे परिसंचरण तंत्र का तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारे रक्त को मतलब कि पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है कि शरीर में रक्त की परिभ्रमण के कार्य को संपन्न करने वाली अंगों की व्यवस्था को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें है देखिए कि शरीर में जितने मतलब रक्त परिभ्रमण यानी जो रक्त को पूरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है वही व्यवस्था को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे कि हमारे अंगों प्रत्येक अंगों तक पहुँचाने का जो कार्य रक्त करता है वह हमारा क्या कहलाता है, रक्त परिभ्रमण। ठीक है, तंत्र। फिर अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं के कार्य लिखिए, के कार्य लिखिए। आंसर है इसमें लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन एवं विसर्जन में योगदान प्रदान करता है। जैसे कि लाल रक्त कणिकाओं के कार्य क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो संपूर्ण शरीर में कोशिकाओं की ऑक्सीजन यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है और उसे विसर्जन में यानी जो निकालने में उसकी क्या करता है, अंग को मदद करता है। पांचवा है परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। परिसंचरण तंत्र यानी कि जो ब्लड मतलब कि जो पहुंचाने का मतलब कि तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें है कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचाना है। जैसे कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य यह होता है कि व्यक्ति की जो तंत्र मुख्य मतलब शरीर के सभी अंगों में जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वही भोजन हमारे पूरे शरीर में धीरे 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 वह रक्त के रूप में पूरे अंगों तक वह पहुँचाता है। किसका कार्य होता है, वह परिसंचरण तंत्र का यह कार्य होता है कि पूरे शरीर में उस मतलब कि भोजन में जो पोषक तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन ग्रहण करते हैं वही ऑक्सीजन तक मतलब कि ऑक्सीजन मिलने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी में है हृदय के कार्य लिखिए। हृदय का कार्य क्या होता है। जैसे कि इसमें दिया है हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है यद्यपि इस कार्य में मुख्य अंग भी सहयोग करते हैं किंतु हृदय के कुछ अन्य कार्य इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना रक्त परिसंचरण का कार्य संपन्न होना असंभव है।
देखिए बिना हृदय के कुछ भी कार्य करना मतलब कि संभव नहीं, इसके बिना हम लोग कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। देखिए जैसे हमारा रक्त क्या करता है, हृदय से लेकर हम लोग शुद्ध रक्त होता है पूरे शरीर में अंग को तक वह पहुंचाता है। इसमें दिया है कि हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है, यद्यपि इस कार्य में अन्य अंग भी सहयोग करते हैं, किंतु हृदय के कुछ अन्य कार्य इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनके बिना रक्त परिसंचरण का कार्य संभव होना आवश्यक है। फिर 17वां क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण में रक्त नलिकाओं की क्या भूमिका है? इसमें दिया है, अगला इसका आंसर है ए, रक्त नलिकाएं संपूर्ण शरीर का पोषण करती है। आज का चैप्टर हमारा बस इतना ही समाप्त हो गया है, ठीक है।